हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता वर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपना बर्थडे मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो फिर जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे ग्रीन टी ग्लो टोनर लूँगी और अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी। इससे मेरा फेस जो है वो प्रेप हो जाएगा मेकअप के लिए। ये आपके स्किन केयर में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको ज़रूर अपने फेस को टोनर लगाना चाहिए। आपके पास जो भी टोनर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं लूँगी यहाँ पे प्राइमर, जो है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर प्राइमर। ये हल्का सा पिंक टिंट वाला होता है, तो अगर आप गर्मी में कोई भी मेकअप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ प्राइमर लगाना चाहते हैं, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत एक हल्का सा आपको बेस भी दे देता है, और प्राइमर लगाने से हमारा मेकअप तो लॉन्ग लास्टिंग होता ही है। नेक्स्ट मैं लूँगी अपना मेबिलिन फिट मी का फाउंडेशन, और इसे थोड़ा सा लेकर के डॉट डॉट अपने डॉट डॉट के फॉर्म पे अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। और आज मैं यहाँ पे कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ। मैं जल्दी से ही अपने हाथ से इसको ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है निकलने के लिए, मुझे जाना है। तो बस मैं फटाफट से अपने फाउंडेशन को हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई फाउंडेशन ख़रीदना चाह रहे हैं जो अच्छा और सस्ता हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगी ये मेबिलिन फिट मी का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट मैं अपने बेस को सेट करने के लिए लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पीहू बार बार झाँक रही है, वो बार बार कैमरे में आने की कोशिश कर रही है। अब मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगा करके अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ मेबिलिन की आईब्रो पेंसिल लेकर के, और ये आईब्रो पेंसिल बहुत ही अच्छी है। मेरा शेड है ग्रे, और अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये मेबिलिन की आईब्रो पेंसिल। इसके पीछे जो है वो स्मजर है, और एक साइड पे पेंसिल है, तो पहले आप पेंसिल कर लीजिए, उसके बाद आप स्मजर से अपने आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है आईब्रो बनाने के बाद। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग मेकअप करें ना करें, लेकिन आप आईब्रोज़ ज़रूर डिफ़ाइन किया करें, उससे आपका फेस बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अपना मेबिलिन चिकी ग्लो लेकर के अपने चीक्स में अच्छे से ब्लशर लगा लूँगी। और मैंने अब मिस रोज़ का हाईलाइटर पैलेट लिया है, और मैं उससे अपने ब्रश की हेल्प से ही हाईलाइटर लगा लूँगी। और मैंने थोड़ा नोज़ पे ज़्यादा हाईलाइट किया है, जिससे मेरी नोज़ बहुत ही शाइनी और स्पार्कली लगे, क्योंकि मेरा नाइट डिनर पे जा रही हूँ रात में, तो और भी अच्छा लगेगा वो। तो देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और अब मैं एक अपनी लिप पेंसिल से लेकर के अपने लिप्स को अच्छे से डिफाइन कर लूँगी, और फिर मैं वही लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि मेरी भाभी ने लॉरियल पैलेस पेरिस की लिपस्टिक मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा था। तो ये बहुत ही अच्छा लिप शेड है, और मैं उसको अब लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। वैसे मैंने अपने बर्थडे ब्लॉग में अपना छोटा सा मेकअप लुक दिखाया था थोड़ा सा, लेकिन मैंने उसमें पूरा नहीं दिखा पाई थी मैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अपना पूरा मेकअप लुक एक वीडियो के थ्रू दिखा दूँगी, बर्थडे में मेरा मेकअप लुक कैसा था, मैंने कैसे मेकअप किया था। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं अपने आई शेडो के लिए मैंने हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, और एक ब्राउन शेड लेकर के मैं ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लूँगी, अपनी क्रीज को मतलब डिफाइन कर लूँगी। और बस फिर ये गोल्डन वाला शिमरी शेड लेकर के अपनी फिंगर की हेल्प से ही बस मैं अपनी आईलिड पर इसको प्लेस कर लूँगी, और फिर लास्ट में मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्मज कर लूँगी, जिससे कोई भी हार्श एजेस नहीं दिखाई देंगी और मेरा आई मेकअप लुक एकदम अच्छा सा दिखेगा। तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सा आई मेकअप है, पर बहुत ही अच्छा लगता है। Thank you.
मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।